place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. अब हमें राजेश खन्ना जी की अनमोल निशानी आशीर्वाद, उनके सपनों का महल जहां उन्होंने अपना अच्छा बुरा वक्त गुजारा था, वो पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की निशानी जो अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। मुझे जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। जिस बालकनी में आकर वो अपने फैंस से मिला करते थे, वो यादें भी अब नहीं रही, क्योंकि उनके आशीर्वाद बंगले की जगह दूसरी इमारत खड़ी कर दी गई है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही दुख की बात है। अक्षय कुमार जी भी राजेश खन्ना जी की उस निशानी को बचा सकते थे, ये तो हम सब जानते हैं कि ऊपर वाले ने उनको हर चीज़ बख्शी है। जिंदगी कैसी है पहली हाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजेश खन्ना जी के लिए वो घर क्या था? जब वो जिंदा थे तो उनका घर किसी ने 150 करोड़ में मांगा। तब राजेश खन्ना जी ने कहा था कि इस घर की कोई कीमत नहीं है, ये तो अनमोल है। दोस्तों, राजेश खन्ना जी जब जिंदा थे तब उनका ये घर 150 करोड़ में मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि इस घर की कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन जबकि राजेश खन्ना जी के गुजर जाने के बाद ये घर 90 करोड़ में बिका। तब राजेश खन्ना जी ने उस घर को 150 करोड़ में देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन घर का नाम अभी भी आशीर्वाद है, आप देख सकते हैं पीछे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो ही दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दूर। मुझे आज ऐसी दो फिल्मों के सीन याद आते हैं जहां वो बच्चे अपनी माँ बाप की निशानी बचाने के लिए कितनी जिद्दोजहद करते। रात के अकेले यहाँ क्या कर रही हो माँ? बेटा, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं अपने आप को पूरी तरह से समेट नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस घर में मरूं तो शायद तेरे पिताजी से मुलाकात हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं हो सकता माँ। काश कि यहाँ भी ऐसा होता, ताकि उस घर को देखकर हमेशा हम राजेश खन्ना जी को याद कर सकते। ये घर, ये मंदिर हम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे और नहीं तोड़ेंगे। अरे बिहारी। हाँ माई, कहाँ है? अपने घर का क्या हुआ? अपना घर का क्या हुआ कि बहुत तोड़फोड़ हुआ माई, और फिर कहा है कि परिवार में एक तो सदस्य भी तो और बढ़ गया है ना। हाँ। इसी वास्ते हम मकान को और बड़ा करवा रहा हूँ। पर पुरानी दीवारें तो नहीं गिराई ना? हाँ बिटवा, जब हम घर में अकेले होते हैं तो उन दीवारों से सर टेक कर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बाबूजी हमरे सर पर हाथ रखकर खड़े हैं और कह रहे हैं, सीता कोई चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जा माई, हाथ मुंह धो ले। आसमान चूमती इमारतें, जमीन पर रेंगती गाड़ियां, एक शोर सा हर तरफ, एक कशिश हर जगह, एक तड़प हर किसी के दिल में मचलती है यहां। ठीक उसी तरह जैसे दरिया की लहरें मचलती हैं, कुछ लहरें जो खुशनसीब होती हैं उन्हें किनारा मिलता है और बाकी समंदर के सीने में ही दफन होने को मजबूर होती है।
समंदर की इसी फितरत का कायल है शायद ये शहर मुंबई भी। और इस शहर में समंदर के किनारे बना ये आलीशान महल भी। ये आशीर्वाद है वो बंगला जिसकी दीवारों से टकराकर वक्त की न जाने कितनी लहरों ने दम तोड़ा है। ये वो बंगला है जो बना बॉलीवुड के सबसे बड़े और पहले सुपरस्टार का आशियाना। और यही वो बंगला है जिसने उस सुपर सितारे का आखिरी सांस तक साथ निभाया। राजेश खन्ना एक ऐसी शख्सियत जिसने जिंदगी में हिमालय की तरह ऊंचाइयां भी देखी और किसी समंदर जितनी गहराइयां भी। जितना नीचे तक जा सकते थे उतना नीचे गए राजेश। जितना अकेला हो सकते थे उतने अकेलेपन से भी घिरे राजेश। जितना टूट सकते थे उतना टूटे भी। पता नहीं जिंदगी ने इस सितारे के साथ आखिर ऐसा सुलूक क्यों किया। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, देर हो जाती है। इसलिए माफी का हकदार हूं। अगर फिर भी किसी ने ना माफ किया तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमको माफी दे दो साहब। और मैं मुझे पहला ब्रेक दिया राज फिल्म में, और इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहां, मेरे हमदम मेरे दोस्त। दोस्तों आज राजेश खन्ना जी के घर को देख के मुझे उनका एक शेर याद आ गया कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो यहाँ पर अभी जो है नया बिल्डिंग बन चुकी है, आप देख सकते हैं। नहीं इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। थैंक यू सर। एंड स्टाइन, वाह वाह क्या बात है, क्या नाम है, ऐसा लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह